नेक बैंड ईयरफोन के बारे में बात करने वाले हैं, जो अपने साउंड क्वालिटी, एक अच्छे बेस, इवन यहाँ तक कि अपने बैटरी बैकअप के वजह से भी जाना जाता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इस बोट के नेक बैंड ईयरफोन के बारे में, जो अपने साउंड क्वालिटी के वजह से जाना जाता है दोस्तों। तो चलिए इसको अनबॉक्सिंग करके देख लेते हैं कि इसके फीचर जो है कैसे है, क्या यह जो है ओरो ईयरफोन की तरह एक साल के अंदर ही खराब हो जाएगा या फिर जो है उससे भी अधिक चलने वाला है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं सीधे अनबॉक्सिंग की तरफ और देख लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में दोस्तों। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा, ताकि आने वाले नए लेटेस्ट नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा की तरह इस बार भी मिलते रहे दोस्तों। तो चलिए चलते हैं सीधे अनबॉक्सिंग की तरफ दोस्तों। तो दोस्तों चलिए इसको अनबॉक्सिंग करके आप लोगों को दिखला देते हैं। वैसे तो इसके डब्बे पर काफी फीचर्स यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो चलिए सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन मैंने कुछ इस तरह से यहाँ पर कर लिया है। ओपन करने के बाद जो है फर्स्ट लुक हम लोगों को कुछ इस तरह से यहाँ पर देखने को मिल सकता है दोस्तों। अब यहाँ पर बात कर लिया जाए तो यहाँ पर बहुत सारा मैनुअल दिया गया है, जो आपको अगर समझ में नहीं आए तो आप इसको यहाँ पर देख भी सकते हैं दोस्तों। साथ ही साथ जो एक और यहाँ पर एक मैनुअल दिया गया है, इसमें सारे वो ब्रांड एम्बेसडर दिए गए हैं जो इस बोट के एम्बेसडर है दोस्तों। साथ ही साथ जो यहाँ पर एक वारंटी कार्ड दिया गया है, जो एक साल का यहाँ पर वारंटी कार्ड है दोस्तों। अगर इसमें किसी तरह का प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इसके वेबसाइट पर जाकर इस पर क्लेम करके एक नया ईयर फोन जो है ले सकते हैं दोस्तों। साथ ही साथ अगर बात कर लिया जाए तो यहाँ पर जो कुछ बड्स दिए गए हैं, जो इसमें दो साइज हैं, एक स्मॉल साइज और एक जो यहाँ पर बिग साइज जो है दिए गए हैं दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और एक और साइज दिया गया है जो आपके ईयरफोन में लगा हुआ है दोस्तों। अब बात कर लिया जाए तो यहाँ पर एक USB डाटा दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो यहाँ पर बोट का ऊपर में यहाँ पर सिम्बॉल हम लोगों को देखने को मिल रहा है दोस्तों। इसमें किसी तरह का एडेप्टर या चार्जर नहीं दिया गया है, आपको अपने मोबाइल के एडेप्टर से ही को चार्ज करना पड़ेगा। अब बात कर लिया जाए यहाँ पर ईयरफोन के बारे में, तो चलिए इसको जो है कुछ इस तरह से हम लोगों को यहाँ पर इसको यहाँ पर निकाल लेते हैं, ताकि आप लोगों को अच्छे से हम लोग दिखा पाए दोस्तों। अब बात कर लिया जाए सबसे पहले ईयरफोन के बारे में, इसकी बिल्ड क्वालिटी की और इसके डिजाइन के बारे में, तो कुछ इस तरह से इसका डिजाइन जो हम लोगों को देखने को मिल सकता है दोस्तों। आप यहां पर देख पा रहे हैं कुछ इस तरह से हम लोगों को इसका डिजाइन जो है देखने को मिल सकता है। ये ईयरफोन जो है ब्लैक है, इसके दो वेरिएबल कलर और भी है, जो रेड और ब्लू कलर का है दोस्तों। मैंने ब्लैक इसलिए मंगाया है ताकि ये जो थोड़ा गंदा नहीं होता है मतलब, और काफी अच्छा रहता है दोस्तों। सो दोस्तों अगर इसके वायर के बारे में बात कर लीजिए, तो यह वायर जो पूरी तरह से फ्लैट है, मतलब कि आपके नेक में पूरी तरह से एडजस्ट हो जाएगा दोस्तों। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है रबर जो है मैट कुछ इस तरह से दिया गया, आप यहाँ पर रबर मैट जो है देख सकते हैं दोस्तों। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही जो है इसको जो है कुछ इस तरह से इसको बढ़ा घटा सकते हैं दोस्तों। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको बढ़ा घटा सकते हैं, जो अक्सर हम लोगों को ईयरफोन में ये देखने को नहीं मिलता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो बोट का ब्रांडिंग यहाँ पर देखने को मिल रहा है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों। अब बात कर लिया जाए इस तरफ के बारे में, तो यहाँ पर तीन तरह का जो है स्विच दिया गया है, मतलब ये बटन दिया गया है। एक यहाँ इससे जो है आप अपने साउंड को जो है घटा बढ़ा सकते हैं दोनों से। साथ ही साथ बीच में जो है एक जो है पावर स्विच दिया गया है, जिसको प्रेस करते ही ये ऑन हो जाएगा और इसको प्रेस करते ही ये ऑफ हो जाएगा। जैसे ही हम इसको प्रेस करेंगे तो इसका लाइट, एक यहाँ पर LED लाइट यहाँ पर दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए इसको मैं ऐसे ऑन कर लेता हूँ। ऑन करने के बाद जो है यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर लाइट देखने को मिल सकता है दोस्तों। यह जो है रेड कलर का और जो है ब्लू कलर का जलता है। इसकी खास बात यही है कि अगर इसको मैं चार्ज करूंगा तो यह लाइट जो है पूरी तरह से रेड दिखलाई देगा, मतलब कि यह अभी चार्ज नहीं हुआ है। और जैसे ही यह फुल चार्ज हो जाएगा तो यह जो है अपने आप यह पूरी तरह से ब्लू हो जाएगा, लेकिन यह जो अगर ऑन रहेगा तो यह पूरी तरह से इस तरह से फ्लक्चुएट जो लाइट करता रहेगा दोस्तों। अब इसके बैटरी बैकअप के बारे में बात कर लिया जाए, अगर इसको आप 20 मिनट चार्ज करेंगे तो आपको 4 घंटे का बैटरी बैकअप देगा। अगर आप जो है फुल चार्ज करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 घंटे का बैटरी बैकअप आपको यह देगा दोस्तों, आप शायद यहाँ पर देख पा रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं इसके अब ईयरफोन के बारे में, तो ईयरफोन की क्वालिटी जो है कुछ इस तरह से हम लोगों को देखने को मिल सकता है। ऊपर में यहाँ पर बोट का कुछ इस तरह से सिम्बॉल दिया गया है, साथ ही साथ जो यह ऊपर में मेटल का बना हुआ है दोस्तों। अब यहाँ पर एक जो लॉक यहाँ पर दिया गया है, इस लॉक की खास बात यही है कि आपके ईयर में जो पूरी तरह से एडजस्ट हो जाएगा, मतलब कि आप इसको लगाते हैं तब भी ये अच्छे नहीं निकले
मिलेगा, मतलब फिट हो जाएगा। सो दोस्तों अगर आप चाहें तो इसको आप जो है निकाल भी सकते हैं। तो चलिए मैं आपको निकाल के दिखला पा रहा हूँ, दिखला दूं जल्दी से ताकि आपको अच्छे से यह जो है देख पाए दोस्तों। तो आप इसको यहाँ पर निकाल भी सकते हैं और इसके बगैर भी यूज कर सकते हैं दोस्तों। आप कुछ इस तरह से हम लोगों को देखने को मिल सकता है दोस्तों। अब बात कर लिया जाए इसके साउंड क्वालिटी के बारे में, इसका बेस और इसकी क्वालिटी जो काफी बेहतर दी गई है। अब बात कर लिया जाए तो यहाँ पर जो इसमें मैग्नेट का यूज किया गया है, जो देख सकते हैं कुछ इस तरह से मैग्नेट यहाँ पर यूज किया गया है, जो अपने आप में इसको अट्रैक्टिव बनाता है और काफी अलग है दोस्तों। सो दोस्तों इस ईयरफोन की सबसे खास बात यह है कि अगर आपके मोबाइल में किसी तरह का फोन आ रहा है तो यह पूरी तरह से जो वाइब्रेट करने लगेगा, मतलब कि आपको पता चल जाएगा कि आपके मोबाइल पे कोई कॉल आ रहा है दोस्तों। तो इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स इससे लेस है, ये ईयरफोन आप जो है ले सकते हैं। सो दोस्तों अगर इसके रेगुलर प्राइस के बारे में अगर बात कर ली जाए कि इसका रेगुलर प्राइस जो है 1200 है, लेकिन मैंने इसको ऑफर पे मंगाया था तो वो मुझे 700 में ही मिला दोस्तों। तो आप ये ईयरफोन जो है ले सकते हैं। तो चलिए इसको मैं चार्ज भी करके आप लोगों को दिखला देते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि इसका एलईडी लाइट जो है कुछ किस तरह से वर्क करता है दोस्तों। मैं इसको मोबाइल के एडेप्टर से चार्ज कर रहा हूँ, तो चलिए यहाँ पर मैं चार्ज भी करके आपको दिखला देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका लाइट जो है यहाँ पर रेड है, मतलब कि ये अभी चार्ज पूरा नहीं है। जैसे ही ये चार्ज हो जाएगा ये ब्लू अपने आप जो है इंडिकेट करने लगेगा दोस्तों। तो ये ईयरफोन जो है आप ले सकते हैं, इसको मैं यूज भी कर रहा हूँ, मेरे घर में भी कुछ लोग यूज कर रहे हैं, तो ये काफी बेहतर है दोस्तों। सो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक सब्सक्राइब से ही हम लोग मोटिवेट होते हैं और कोशिश करते हैं कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे कॉन्टेंट बना पाए दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना है दोस्तों, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।